हवा घर भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आ गया है। कैमल बैक रोड स्थित पुष्टा भारी होने के बाद ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक मसूम में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन लगातार 1800 अंग्रेजों द्वारा निर्मित हवा घर अब खतरे की जद में है और ऐसे में हवा घर की नींव भूस्खलन की नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल पुष्टि का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही हवा चाय की दुकान संचालित करने वाले बुजुर्ग शिव प्रसाद भरद्वाज ने बताया कि लगातार स्थानीय प्रशासन और पालिका द्वारा ऐतिहासिक की जा रही है, वो अब इसको लेकर जो रूप से पर्यटकों का स्थान रहा है मसूरी में, और ऐसे में जिस तरीके से भूस्खलन की जद में आ जाने से इसको क्षति पहुंची है। 1834 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था और ये मसूरी में पर्यटकों का जो संज्ञान ले रहा है। मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा कक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की और मंत्री ने विभागीय अधिक सुधार के लिए और कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए, इस संबंध में न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा सिद्धांत पर काम किया जाए। आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर के चर्चा की गई और इसके साथ ही न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा का सिद्धांत भी रखा गया है इस बैठक में। इस बैठक में हरक सिंह रावत मौजूद रहे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में किस तरीके से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए उस पर चर्चा की गई। तो वहीं अब खबर हरिद्वार से, जहां लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में जिले की पहली आरटीपीसीआर लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड के आरटीपीसीआर सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का समय लग जाता था। ऐसे में मेला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल्स की रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर मिल जाएगी। मेला अस्पताल के सीएमएसएफ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि लैब में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी क्षमता रोजाना 192 सैंपल लेने की है। तो वहीं बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री के नाम स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा और इस दौरान आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के लंबे समय से मांग कर रही है, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में समस्त आशा वर्कर्स एकत्रित हुई थी और वहां पर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। जिस तरीके से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में प्रदेश ही नहीं देश भर की अगर बात की जाए तो जो उनकी रणनीति है अपनी मांगों को लेकर के उसके तहत ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं अगर उत्तराखंड में बाजपुर की बात की जाए तो वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में चयन आयोगों की कार्यशैली पर कांग्रेस पार्टी सरकार को लगातार घेर रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में युवाओं के साथ पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने पत्रकार वार्ता कर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विशाल राठौर ने कहा कि सरकारी चयन प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई बेरोजगार युवाओं की उम्र निकल रही है। सरकार ने पिछले 5 सालों से पीसीएस की परीक्षा नहीं करवाई और सरकार मात्र 2% युवाओं को रोजगार ही दे रही है। बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों पर को लेकर के सरकार को घेरा गया है। तो वहीं 5 सालों से पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई गई है, विशाल राठौर का कहना है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी शामिल है।
तो वहीं जिस तरीके से महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, उसे देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर सरकार को घेरा गया है। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम को लेकर के विधायक हरीश नामी ने कहा कि एकजुट हो गए हैं, चुनाव को लड़ेंगे और 2022 में सत्ता में वापसी करेंगे। विधायक हरीश धामी ने कहा कि फिलहाल पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो भी फैसला संगठन ने लिया है वो सोच समझकर ही लिया होगा। और विधायक हरीश धामी ने यह भी कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी और जनता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए। 2022 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है संगठन में। गणेश गोदियाल जो कि पूर्व विधायक है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष। इसके साथ ही पूर्व विधायक और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है। हालांकि जो लिस्ट आई थी उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी देखी गई और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने कुछ नाराजगी थी उनकी, हालांकि अब वो दूर हो चुकी है लगातार जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि आखिर नाराजगी किस में थी और जो नई टीम भी है उसके लिए उनका क्या कहना है। सर, नई टीम के लिए क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, मैं चुनाव समिति के जो अध्यक्ष बने माननीय हरीश राव जी उनको भी बधाई देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाई गणेश गोदियाल जी को मिला है, उनको भी जो है बधाई देता हूँ। और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भाई प्रताप सिंह जी को मिला है, उनको भी हम बधाई देते हैं। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों की सबकी एक मांग थी कि भाई उत्तराखंड में हरीश रावत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर हाईकमान ने उसको मोहर लगाई है। और प्रदेश अध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी गणेश गोदियाल जी को दिया गया है और हम सबका मानना भी था इंदिरा हृदय जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है हमारे ब्राह्मण नेता से जो है विहीन जैसा हो गया था। तो हम सब ने एक मांग रखी थी कि भाई गणेश गोदियाल जी को अनुभवी भी हैं और युवा तर्क भी हैं, तो उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दिया जाए। और प्रीतम भाई उनका कार्यकाल पूरा हो गया था प्रदेश अध्यक्ष में, तो हमने कहा कि भाई उनको भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हम सबकी मांग थी, सारे विधायकों की थी और सारे कार्यकर्ताओं की थी। तो निश्चित तौर पर हाईकमान ने उसमें मोहर लगाया, तो ये तो खुशी की बात है। हम सबको बधाई के जो है धन्यवाद देते हैं। थोड़ा एक समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में चार चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो चारों इसका मतलब या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर वो प्रचार करने जाएंगे सभी विधानसभाओं में, यही हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये थे विधायक हरीश धामी जिनका कहना है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में यानी 2022 में उत्तराखंड की सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस काबिज हो जाएगी। किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो वही उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इससे पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है, तो वहीं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही इस नई जिम्मेदारी के मिलने के बाद उनके सरकारी आवास में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का तांता देखने को मिला। सभी ने प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। तो वहीं प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाई जाए। इसका मुख्यमंत्री कैसा हो? तो वहीं कैबिनेट मंत्री और मसूरी के एक विधायक गणेश जोशी ने आज खैरी मानसिंह बाईपास मालदेवता में बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशु चावला और उनकी टीम का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने ये कहा कि महानगर युवा मोर्चा द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है जिससे पर्यावरण संरक्षित होता है और इसके साथ ही क्षेत्र में हरियाली भी आती है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।